आज मालेगांव का जो विजिट हुआ है, मालेगांव के विजिट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मालेगांव की जनता को इतना कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अभी अस्पताल में सिर्फ 100 लोग हैं, डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से कम 250 लोग, 560 में से 250 लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं। और डिस्चार्ज करने के वजह से यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे एक ही अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये बीमारी दुरुस्त होती है। ज़रूरी ये है कि हमने खुल के आगे आना चाहिए और इस बीमारी के बारे में लोगों को बोलना चाहिए, डॉक्टर्स को बोलना चाहिए। और इसीलिए ये एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि खुलकर आगे आइए। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बुज़ुर्ग लोगों ने जिनको कोई बीमारी है, जैसा कि शक्कर की बीमारी है, जैसा कि बीपी है, तो उन्होंने भी ये सब अपने अपना ख्याल ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और अगर कोई उनको तकलीफ होती है तो उन्होंने भी खुल के आगे आना चाहिए। रहा सवाल यहाँ पर, खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कई नए नए चीज़ें हमने यहाँ पर की है, जैसा कि हज हाउस और एक MSG जो कॉलेज है, वहाँ पर हमने खास तौर पर पश्चिम और पूर्व दोनों जगह पे ऑक्सीजन लाइन के सहित हम हॉस्पिटल्स के बेड्स हम बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल हम नया लगा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे कोविड हॉस्पिटल है जीवन परान सहारा, उसमें भी पूरी व्यवस्था हमने की है, इक्विपमेंट्स दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं और वेंटिलेटर्स और सभी चीज़ें यहाँ वहाँ पर हमने पूरी प्रबंध किया है। ख़ास तौर पर अगर कुछ जून में या मई एंड तक अगर संख्या बढ़ती भी है तो भी पूरा इंतज़ाम हुआ है। जैसा कि जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, जिनके लिए कोई लक्षण दिखता है जैसा खांसी है, जुकाम है या तुम्हारे को क्या बोलते हैं उसको टेम्परेचर है, तो उसके लिए जो अस्पताल है उसमें भी खास तौर पर जगह है, कोविड हॉस्पिटल में भी जगह है, तो बहुत चिंता वाली बात नहीं है। खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे अहम मुद्दा जो यहाँ पर मालेगांव के लोगों ने रखा, सभी लोक प्रतिनिधि ने, वो है कि यहाँ के टेस्टिंग का बड़ा मसला था, तो टेस्टिंग के मसला हमने हल कर दिया है। आज से मालेगांव का 300 का कोटा NIV पूना को दिया गया है, रोज़ाना 300 वहाँ पर किए जाएंगे और ये 2-3 दिन के हद तक तो वहाँ किया जाएगा, लेकिन स्पेशली धुलिया धुले में 450 का एक नया लैब रोज़ाना वो टेस्टिंग करेगा। ये खास मालेगांव के लिए भी हमने वो दे रखा है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे टेस्टिंग का इंतज़ाम किया है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ख़ास तौर पर नॉन कोविड के लिए हमारा जो सरकारी अस्पताल है 200 खाटों का, उसमें भी जो डॉक्टर्स काफ़ी हद तक हमने डेप्यूटेशन में यहाँ पर दिए हैं, कुछ लोग ज्वाइन हुए कुछ नहीं हुए, जो नहीं हुए उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जितना हो सकता है उतना ट्रांसफ़र करके, प्रमोशन करके या नया नेमनुक करके ये पूरे पोस्ट भरने का काम हम आने वाले 2-5 दिन के अंदर 100% करेंगे। उसके अलावा यहाँ के जो भूसे साहब हैं, अन्य लोग हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी लोगों ने जो मोबाइल वैन यहाँ पर इंतज़ाम किया था, ड्राइवर नहीं थे, कुछ डॉक्टर्स नहीं थे, तो आज बैठक में यहाँ के ही डॉक्टर्स उनको जो भी पगार या सैलरी चाहिए वो दिया जाएगा और उनकी सर्विस यहाँ पर ली जाएगी और उनकी सेवा मोबाइल वैन के माध्यम से 11 मोबाइल वैन रोज़ाना यहाँ पर आरोग्य की सेवा देंगी। और इसके अलावा ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फिजिशियन नहीं है, ऐसी मांग सभी लोगों ने की, तो नए नए आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित जैसा हुआ है, टेक्निक्स विकसित हुए हैं, तो टेली रेडियोग्राफी हम के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर किसी का एक्सरे निकाला जाता है तो वो कुछ सेकंडों में, जैसा पूना में अगर कॉल सेंटर के तरीके अगर रेडियो टेली रेडियोलॉजी के कुछ लोग बैठे, रेडियोलॉजिस्ट बैठे, तो वो वहाँ पर देख सकते हैं, वो पूरा डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा एक्सरे, और वहाँ पर हमारे को राय मशवरा मिल सकता है कि भाई इनको निमोनिया है क्या, इनको एडमिट करना ज़रूरी है क्या,
तो इस तरीके का नया तंत्रज्ञान भी हमारे गांव में इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी सुविधा दो दिन के भीतर शुरू होगी। रहा सवाल खास तौर पर टेलीमेडिसिन के हद तक नासिक बहुत अच्छे अच्छे बड़े अस्पताल वहाँ पर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, उनकी भी जो सेवा है वो सेवा टेलीमेडिसिन के तहत मालेगांव के लोगों को हम देंगे। वे भी जिम्मेदारी कलेक्टर ने ली है, एक अच्छे से टास्क फोर्स करके अलग अलग एक एक दिन में एक एक डॉक्टर्स को बिठा के वहाँ से टेलीमेडिसिन की जिम्मेदारी देने का भी काम जरूर होगा। रहा सवाल, अगर हम अभी देखेंगे तो मालेगांव में 100 पेशेंट्स हैं, कुल मिला के पॉजिटिव कितने हुए थे 561, तो 561 में 256 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, डेथ 35 हो चुके हैं, और बाकी SRPF के 150 जवान जो है वो नासिक में और अन्य जगह पे एडमिट है, उसमें से भी करीबन 28 लोग आज दुरुस्त होके उनके घर वापसी उनको किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई संख्या बढ़ती भी है तो भी उसका इंतज़ाम पूरा किया है, लेकिन ये न बढ़े इसीलिए मालेगांव के सभी हमारी जितनी भी जनता है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सरकार के नियम है कानून है उसके तहत सहकार्य करो, सहयोग दो, खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, इन्फेक्शन न हो इसके लिए कोई जिम्मेदारी लो, और एक अच्छे नागरिक की हैसियत से मुझे लगता है सरकार को पूरा सहयोग देने की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मालेगांव को 100% सब दुरुस्त हो जाएगा और सब लोग खुशहाली से अच्छे से रहेंगे, सब लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, इतनी मैं खास तौर पर प्रार्थना करता हूँ। और जैसा कि मैं पहले भी बोला कि रमज़ान का ये पाक महीना है और रमज़ान के इस पाक महीने में अभी हमारे को ईद मनाना है, तो ईद मनाने के लिए हमारे को एक बहुत अच्छा वातावरण भी चाहिए, अभी अच्छा वातावरण अल्लाह ताला से आप दुआ करो, इबादत करो, ये इबादत का भी महीना है, जैसा बोलते हैं कि कुरान का क्या बोलते हैं हम, कुरान पढ़ने को क्या बोलते हैं, तिलावत कुरान की करना ज़रूरी है, तो ये सभी हम करेंगे कि जिससे आने वाले दिनों में हमारे को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे दिन रहेंगे, ऐसा मैं अल्लाह ताला से खास तौर पर सभी लोगों के लिए दुआ करूँ।